we'll be talking about programmatic communication or programmatic advertising. See, COVID-19 ke baad, digital marketing takes a big frontal space. It is like ATL above the line. Or programmatic communication hota kaise? Programmatic communication, aap jab bhi koi bhi aapne credit card liya, debit card liya, mobile services liya, aapka pura data Google या कोई भी बैंक या कोई भी ब्रांड के पास पहुंच जाता है, आइदर पेड और नॉन पेड वर्जन में गूगल को पहले मिलता है या कोई भी कंपनी आपका फिल फॉर्म करवाता है. तो यू आर गिविंग योर कम्युनिकेशन टू थ्री, मीन्स आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो क्लाइंट जो ब्रांड मार्केट प्रोडक्ट सर्विसेज है. तो आपने सोचो मैकडोनल्ड का अचानक देखा आपके पास मैसेज आता है मैकडोनल्ड में बाय वन गेट वन फ्री, बट कैसे आया, इसी को बोला जाता है प्रोग्रामेटिक कम्युनिकेशन. मीन्स आपका डेटा उनके पास पूरा है मैकडोनल्ड के पास. तो जहां पे भी आपने कभी भी गूगल मोबाइल में बात करते करते, आपको मोबाइल में हर मोबाइल में गूगल वगैरह एवरी ऑनलाइन सर्विसेज है, तो वहां पे आपका वर्ड कैच कर गया मैकडॉनल्ड. आपने इतना ही बोला होगा या आपने बोला होगा बर्गर, बट वो कैच कर लेता कीवर्ड्स. द मोमेंट प्रोग्रामेटिक कम्युनिकेशन कैच द वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के कीवर्ड्स के साथ. क्यों? हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनके स्टोर में जाने के लिए वो कीवर्ड्स और टारगेट ऑडियंस को परफेक्टली फोकस करके कम्युनिकेट करता है. उसमें प्रोग्रामेटिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो जैसे अगर मैं मैकडॉनल्ड बर्गर लेने जा रहा हूं या सोचा हूं, सोचो माइंड में भी बर्गर, दैट वन वर्ड विल क्रिएट टक करके टेक्नोलॉजी प्रोग्रामेटिक कम्युनिकेशन, उनका जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा. आप जहां पे भी जाओगे, सोचो आप मॉर्निंग में मोबाइल खोला तो गूगल मैसेजेस आया बर्गर एट द रेट ऑफ 5 बाय 1 गेट 1 फ्री फ्रॉम मैकडॉनल्ड. आप थोड़ी देर बाद उसके बाद आपने ऑफिस में भी आपने देखा कहीं ना कहीं पे आपके पास एड आ रहा है या मैसेज आ रहा है थ्रू मोबाइल और मे बी वॉट एवर यू आर सीइंग मे बी इन द न्यूज पेपर. सो एवरीथिंग इज प्रोग्रामेटिक फॉर मी. तो कम्युनिकेशन, तो आप भी सोचते होंगे मैं तो कॉलेज में आया, अरे मैंने तो बोला ही नहीं था मैकडॉनल्ड पर, ये कैसे आ गया. आपका माइंड को मैपिंग करता है, माइंड को वो कनेक्ट करता है. और जहां पे भी जाएंगे, चाहे आप इंडिया में रहो बाहर रहो, आपको वही कम्युनिकेशन सब जगह मिले. तो दैट इज व्हाट प्रोग्रामिंग योर माइंड. तो वो लोग आपका स्पेस भी लेके रखती है, हर एक ऑनलाइन सर्विस में वो स्पेस लेके रखते हैं कि दिस स्पेस इज फॉर पीयूष दत्त फॉर मैकडॉनल्ड बर्गर दिस. जहां पे भी जाओगे वहां पे पाओगे प्रोग्रामेटिक कम्युनिकेशन. थैंक यू.